रवि जी। हाँ प्रणाम, मैं रवि भट्ट स्वतंत्र पत्रकार बोल रहा हूँ, स्वागत है आपका। जी जी जी। इस वक्त हमारे साथ मित्रों अविनाश के भाई साहब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और इस मामले को अब जहाँ तक हमें पता लगा है और लोगों के माध्यम से पता लग रहा है कि दबाया जा रहा है इस मामले को, और इस मामले पर लीपापोती की जा रही है, इस मामले को प्रेम प्रसंग का मामला बताकर मामले को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ मृतक के भाई साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, और ये बताएं कि क्या मामला है, क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मामले को दबाने की कोशिश में अगर ये कहूँ कि प्रशासन कर रही, तो ये भी सरासर मतलब गलत होगा जी। प्रशासन हम लोग के इन्वेस्टिगेशन में और लगभग में आंशिक रूप से अब तक सहयोग किया है यहाँ का जो लोकल पुलिस है, यहाँ के प्रशासन जो है जी। लेकिन इस बीच में पत्रकार की हत्या हुई है, और इस बीच में कुछ जैसे जिला मुख्यालय में कुछ पत्रकार थे, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि पत्रकार भी तो विभिन्न विभिन्न विचारधारा और धाराओं में बटे होते हैं, अलग अलग गुट में रहते हैं जी जी। तो मधुबनी के दो पत्रकार हैं जो अपना अलग गुट बना करके चलते हैं, वो अपना मतलब गुट बना करके चलते हैं। तो जिस दिन मेरे बच्चे का लाश मिला था, उसी दिन पोस्टमार्टम करवाने के बाद जब हम लोग निकले हैं सिमरिया घाट पे संस्कार करने के लिए जी, तो उस समय तक ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, ना अनुसंधान का कुछ भी चीज आगे बढ़ा था जिससे पुलिस ठोस कुछ कह पाती। उस समय संदेह के आधार पर जी, है ना जी, एक नर्स को उठाया गया था जो कि अब गिरफ्तार भी है, पुलिस ने कल ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया जी। तो उस नर्स ने ये बताया था कि प्रेम नर्स के संदर्भ में पुलिस प्रशासन की ये जानकारी मिली थी कि मामले में कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग है ना जी, जी। तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग है, तो यहाँ पे तीन करी है, एक करी है नर्स, एक करी है मेरा भाई अविनाश जिसकी हत्या हुई है, और एक करी है अपराधी लोग जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है जी। अब समझने का फिर ये था कि जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है उनका अच्छा खासा प्रेम प्रसंग था नर्स के साथ, ठीक जी, है? जी जी। और अविनाश का नर्स के साथ इसलिए टेलीफोनिक कन्वर्सन रहता था इन शॉर्ट, 2 से 3 मिनट का कभी कभार, वो भी मात्र 45 दिन से संपर्क में था। नहीं, तो सीधी आती नहीं है? मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इस मामले में जो है पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को जो है प्रेम प्रसंग के रूप में देख रही है, प्रेम प्रसंग की तरफ मोड़ रही है क्या? पुलिस इसको जो चीज बताना चाह रही है, मीडिया वाले पत्रकार की मौत होने के बाद भी इसमें मसाला ढूंढ रहे हैं कुछ मीडिया वाले जी जी। उसमें मधुबनी के चिन्हित दो पत्रकार है जो मसाला ढूंढ रहे हैं, वही कल जाकर के डीएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार सवाल पूछ रहे थे कि प्रेम प्रसंग था क्या जी, प्रेम प्रसंग था क्या जी। इस पे डीएसपी ने फिर कंफर्म किया है कि प्रेम प्रसंग क्या था वो समझिए है कि जो जिसको गिरफ्तार किया गया है जी, उस वो चाहता था अकॉर्डिंग टू डीएसपी के बयान कि वो चाहता था कि नर्स से मृतक अविनाश बात कम करे, ठीक है जी जी जी। और अविनाश नर्स इसलिए बात करता था क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन था, मेडिकल लाइन से वो भी जुड़ा हुआ था, रोज वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करता था तमाम अस्पतालों से थायरो केयर के तहत जी, और वो रोज पटना जय माता दी बस से बेनीपट्टी से भेजता था वो सैंपल को, ब्लड को जी, और वो रिटर्न आता था जांच होकर के अगले दिन। इस लोभ में वो तमाम अस्पतालों के नर्स, तमाम अस्पतालों के कंपाउंडर से संपर्क में रहता था, इसीलिए उससे बात होती थी। मतलब आपका कहना है कि पत्रकार अविनाश जो है एक पत्रकार होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक लैब टेक्नीशियन का काम करते थे, इसलिए वो जो है महिला जो चिकित्सा कर्मी थी उसके संपर्क में थे, लेकिन इस मामले को जो है अब जो है गलत डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो उनके संपर्क में रहते थे इसलिए उनको अब प्रेम प्रसंग का रूप दिया जाने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रशासन, देखिए इसमें सहारा किसका लिया जाता है, अगर प्रशासन मानी किसी गलत चीज को गलत कह रही है तो मीडिया भी कहेगी हाँ गलत है जी, तो उसी चीज को सही मानेगी जी जी। लेकिन हो सकता है कि उन चिन्हित दो पत्रकार जो है, आपको क्या लगता है कि आपके भाई के कौम के ही लोग जो है इस मामले को अब दबाने और झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे कौम के लोग, पत्रकारिता समाज के लोग की बदौलत ही अविनाश को न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जयचंद जो होते हैं जो अपने पिता के निधन पर भी नाचते हैं जी, वैसे लोग एक मौका तलाश रहे हैं कि कैसे इस बड़े हाई प्रोफाइल मामले को, जहाँ पे लाखों करोड़ों का डील हुआ है, जहाँ पे अस्पतालों का मामला जो मेडिकल माफिया की, अभी इस मामले में कुछ गिरफ्तारी हुई है जी, 5-6 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें तीन लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में जो है पुलिस प्रशासन शासन सत्ता सब जो है अभी तक सही कर रहा है, या कुछ आपके साथ गलत भी हो रहा है? अभी तक मैं इतना ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी बेनीपट्टी लोकल पुलिस, बेनीपट्टी थाना और बेनीपट्टी के डीएसपी ने आंशिक तौर पर हम लोग को बहुत अच्छा मदद किया है, इन्वेस्टिगेशन भी सही दिशा में अब तक ले जा रहे हैं, अब तक अभी तक का रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ जी जी।
एसपी के बयान से हम लोगों में कल असंतुष्टि थी, हम लोग नाराज हुए, पूरे पब्लिक नाराज थी कि प्रेम प्रसंग का जो मामला आया था उसमें वो दो जयचंद पत्रकार मधुबनी वालों ने जो खबर चलाया कि परिवार के तमाम आरोप खारिज और प्रेम प्रसंग में हुई हत्या, जबकि अनुसंधान रिपोर्ट आने से पहले उसने खबर चला दिया। जी जी जी, इस पे आक्रोश भड़का था वो एसपी के जी हुजूरी, और वो मतलब तेल लगाने के चक्कर में वो व्यक्ति होता है ना कि अपना आपका क्रेडिबिलिटी खो दिया है जी। उसके कारण ही कल वो डीएसपी से बार बार क्वेश्चन कर रहा था वो दोनों पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अविनाश का संबंध था क्या, अविनाश प्रेम संबंध में था क्या? जी जी, मृतक पत्रकार अविनाश के भाई से इस मामले में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में जो है पुलिस प्रशासन अभी निष्पक्ष जांच कर रहा है और अभी तक गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है मित्रों कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सिर्फ एक पियादे हैं, बाकी मुख्य किरदार की भूमिका में जो थे वो अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से दूर पर हैं, और यही कारण है कि अभी भी जनता के बीच में, बेनीपट्टी के लोगों के बीच में, मृतक के भाई के बीच में कहीं ना कहीं आक्रोश है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि कुछ जो है अस्पताल थे, नर्सिंग होम थे, जिसका खुलासा जो है मुहिम चलाकर पत्रकार अविनाश खुलासा कर रहे थे कि यहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। यही कारण है कि उनको आए दिन धमकियां मिल रही थी और इसी वजह से शायद मृतक अविनाश को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उनकी बातें वो सुन नहीं रहे थे और खुलासे पे खुलासा कर रहे थे। अविनाश के भाई का कहना है कि इस मामले में अभी तक निष्पक्ष जांच हुई है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बावजूद जो मेन किरदार में है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, आगे और कई परतें खुलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुशासन बाबू की सरकार में कुशासन रूपी जो चक्र चल रहा है, आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है, बलात्कार घटनाएं जैसी हो रही है, तो क्या ये रुकेंगी? क्योंकि सुशासन बाबू कहते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन है, तो किस चीज का सुशासन? आखिर एक पत्रकार जो अच्छा कार्य करता है जनता की मदद करने के लिए, ऐसे खुलासे करता है जिससे जनता का फायदा होने वाला है, लेकिन उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, गला रेत कर और इसके बाद जिंदा जला दिया जाता है, ये दुर्भाग्य इस देश का और इस बिहार का। आखिर कब तक ये होता रहेगा? इसी मामले में मैंने जो है अविनाश के भाई साहब से बात किया है और एक पत्रकार की हत्या जो है वो दुखद है। हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, और ऐसी घटना ना हो इसलिए सुशासन बाबू को शासन रूपी कानून व्यवस्था बनाना चाहिए और पुलिस प्रशासन पर भी जो है दबाव बनाना चाहिए कि आप भी सतर्कता के साथ देश की रक्षा कीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।